जय माता दी फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, आज यहाँ पे हम सीखेंगे उरेबी प्लाजो की कटिंग और उसका मेजरमेंट। तो सबसे पहले कपड़े को आप देख सकते हो, यहाँ पे ये डबल फोल्ड किया गया है, ठीक है। तो डबल फोल्ड कर लेना है ओपन साइड, और बंद साइड आपको चेक कर लेना है। तो बंद साइड से आपको इस तरह से उठाना है और ट्रायंगल शेप में बना लेना है, ठीक है। इस तरह से आपको ट्रायंगल शेप बना लेना है। उसके बाद फ्रेंड आपको अभी बताती हूँ कि मेजरमेंट कैसे करना है, ठीक है। तो आपको ट्रायंगल से अपने कपड़े को फोल्ड कर लेना है। उसके बाद आपको मेजर करना है, अपने कमर का नाप लेना है, ठीक है। आपका कमर का साइज जो भी है उसमें 2 इंच आपको मार्जिन के साथ लेना है, यानी कि 2 इंच आपको प्लस करना है। तो यह कमर का साइज हो गया, यहां से आप देख सकते हो कमर का साइज आपका जो भी है उसमें 2 इंच प्लस कर देना यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे पूरा 9 इंच लिया गया है, और यहां से आपको लेंथ लेना है, यानी कि जितनी जितना कपड़ा आपने फोल्ड किया है उसकी लंबाई आपको ले लेनी है, यानी कि आपके प्लाजो की लंबाई जितनी है उतना आपको यहाँ पे लेंथ 2 इंच के साथ ले लेना है, यानी 2 इंच प्लस कर लेना है, ठीक है। और यहां से आपको लेंथ जितनी भी है वहां पे मार्किंग कर लेना है, और इसी के हिसाब से आपको पूरे कपड़े पे गोलाई बना लेना है, यानी कि इंची टेप को ऊपर में रखना है कमर के साइड, और नीचे से आपको गोल गोल घुमाते जाना है और मार्किंग करते जानी है। तो इंची टेप को आपको इस तरह से घुमाते जाना है, और जितनी लेंथ आपकी है उस पर आपको निशान बनाते जाना है, ठीक है। तो इस तरह से आप गोलाई बना लेना। तो फ्रेंड ये हो गई आपकी लेंथ। तो इसमें क्या करना है ना, इस तरह का लेंथ आप अगर लेते हो तो आपका साइज के अनुसार सही होता है, बट अगर आपको थोड़ा लंबा चाहिए होता है, ठीक है, थोड़ा लंबा चाहिए होता है, यहाँ से आपको एक बार फिर से बता दूं, आसनी का नाप यहाँ पे आपको बताया जा रहा है, आसनी का नाप यहाँ पे 10 इंच लिया गया है, और यह 2 इंच यहाँ पे गोलाई बनाने के लिए आपको लेना है। इस तरह से लेंथ भी नाप लेना है, यहाँ पे नीचे 2 निशाने बनाई गई है, एक नॉर्मल लेंथ है और एक प्लस वाली लेंथ है, यानी कि इन्हें प्लाजो थोड़ा लंबा चाहिए था, तो नीचे साइड में कपड़ा कम था, ठीक है। तो लेंथ तो इधर से सही जा रही थी, बट आगे कॉर्नर के पास जाने के बाद ना ओपन साइड के पास कपड़े कम पड़ जा रहे थे। तो इस तरह से अगर आपको नॉर्मल साइज चाहिए तो आपका जितना कपड़े का लेंथ है उतना आप ले सकते हो, बट आप यहाँ से देख सकते हो कि थोड़ा सा कपड़ा छोटा पड़ रहा है। तो कटिंग करने के बाद एक कॉर्नर को आपको उठाकर यहाँ पे ऐड कर लेना है, यानी कि थोड़े से कपड़े आपको यहाँ पे जितना गैपिंग है उतना इसमें जोड़ लेना है, ठीक है। और अब इसकी कटिंग कर लेना है। आपको एक बार फिर से समझा दूं, कमर का साइज इसमें 9 इंच लिया गया है, आसनी का साइज 10 इंच है, आसनी का लेंथ जो है वह 10 इंच है, 2 इंच का इसमें मार्जिन लिया गया है गोलाई बनाने के लिए। उसके बाद आपको गोलाई बनाकर इस तरह से कटिंग कर लेना है, ठीक है। ये कमर की कटिंग हो गई, और ये आसनी की भी कटिंग कर लेना है। इसमें बेल्ट अलग से लगाना है, ठीक है फ्रेंड। बेल्ट के लिए कपड़ा इसमें अलग से ऐड करना होगा, इसमें बेल्ट के लिए लिया नहीं गया है, बेल्ट को छोड़ने के बाद 10 इंच लिया गया है आसनी का साइज, जो कि बनने के बाद बहुत ही परफेक्ट बना था। ये 10 इंच बिल्कुल सही साइज है, ये सभी के लिए
सुटेबल है और बहुत अच्छे से फिटिंग आ जाती है सभी के लिए। अगर आप 11 या 12 इंच की लेते हो लेंथ आसनी का, तो वह थोड़ा लूज हो जाता है और लूजिंग अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो आप 10 इंच तक ले सकते हो। इस तरह से आपको गोलाई की कटिंग कर लेनी है। तो फ्रेंड आपको मेजरमेंट समझ में आ गया होगा और इसकी कटिंग भी समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो आप अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और मेरे चैनल को लाइक भी करना। और अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना। और अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट कर कर हमें ज़रूर बताना। यहाँ से आप देख सकते हो जहाँ पे कपड़े कम हो रहे थे ना, एक साइड से उठाकर आपको यहाँ पे रख लेना है और जितने कपड़े आपको चाहिए यहाँ पे उतना कपड़ा इसमें कटिंग कर कर जोड़ लेना है। ओके फ्रेंड, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। फ्रेंड आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताना। ओके फ्रेंड, मिलते हैं अगली वीडियो में।